चंदन क्यारी प्रखंड पंचायत देवग्राम के आदिवासी टोला करमाटांड आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 23 के सेविका चयन में सीडीपीओ द्वारा मनमानी व गलत ढंग से दोबारा आम सभा कर सेविका चयन करने पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीणों ने विरोध किया है। पंचायत भवन देवग्राम में सेविका का चयन के लिए सीडीपीओ सुपरवाइजर तथा एएनएम की उपस्थिति में आम सभा हो रही थी। पंचायत मुखिया मदन चंद राजपार, उप मुखिया धीरेन्द्र नाथ महतो, पंचायत समिति सदस्य मधुसूदन राजपार व वार्ड सदस्य भी उपस्थित थे। सेविका चयन प्रक्रिया शुरू हुई। रूपाली रजक, सीमा कुमारी, ज्योत्सना देवी ने आवेदन दिया। चयन प्रक्रिया शुरू होते ही मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड तथा ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 23 के सेविका का चयन 22 अक्टूबर 2019 को आमसभा व योग्यता के आधार पर चयनित हो चुका है। किस आधार पर दोबारा सेविका का चयन किया जा रहा है, विवाद व विरोध को देखकर सीडीपीओ आम सभा को स्थगित कर दिया। पहले चुनाव को रद्द का कारण नहीं बताया। पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीणों ने विरोध करते हुए उपायुक्त, उप विकास आयुक्त तथा प्रखंड बीडीओ से जांच एवं उचित कार्रवाई कर पूर्व में चयनित किरण देवी को सेविका पर नियुक्त की जाए। और पत्रकार द्वारा फोन करने पर सीडीपीओ ने फोन को रिसीव नहीं किया। मौके पर वार्ड सदस्य माला देवी, किरण देवी, कर्मी देवी, रिंकू देवी, नियति देवी, साबू देवी, पूर्णिमा देवी, चानू देवी, प्रतिमा देवी, गुजरी देवी, ठंडा देवी, अष्टी देवी, लक्ष्मी देवी, गीता देवी, कुंती देवी, राजे नरजक, गोपाल रजक, उत्तरा देवी सहित दर्जनों लोग शामिल हैं। भोजपुरी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। मेरा देवक ग्राम पंचायत में सेविका का चयन था, उसमें सभी गांव के बुजुर्ग सभी शामिल हुए थे, लेकिन हमको दुख की बात यह है कि जिसको चयनित होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज के आधार पे हो चाहे आम सभा के आधार पर, जिस तरह सीडीपीओ मैडम करे उससे हमको कोई मतलब, लेकिन हम लोग को जो अवमानित करके मैडम चल गई, हम लोग का कारण एक कलम न पूछबो कि न हम लोग कहीं एक कलम लिखने का भी अधिकार दिया गया, इसीलिए हम लोग को दुख है। इसको इसको इस मान्यता तो का हम लोग वैल्यू नहीं देंगे, इसको रद्द का अविलंब मतलब दोबारा आम सभा हो, दोबारा क्या मान लीजिए कि अगर मैडम को इसी तरह करना ही था तो उसको फोन करके बुला लेती कि किसका परसेंटेज वही आप करा लेती, यहाँ आम सभा करने की जरूरत क्या था। अगर जब मुखिया को मुखिया के अध्यक्षता में किया जा रहा है यहाँ आम सभा और मुखिया का कुछ वैल्यू नहीं है, वो जो क्या क्या नाम है उचित क्या लिखे उपबंधित जो चयन पत्र है उसमें मुखिया का इसलिए नहीं है तो चयन तो अब किस तरह करेगी वो मैडम जानेगी। ठीक है, यहाँ तो मुखिया का कुछ वैल्यू नहीं है। पंचायत पर पंचायत में चुनाव किया गया, करा गया, कराया गया, उसमें मुखिया का कुछ वैल्यू नहीं है। अगर इसी तरह तो अफसरगिरी का ही तरह चल रहा है तो हम लोग क्यों इसे लेटर देने की क्या बेइज्जत करने की क्या जरूरत है। अगर बेइज्जत करने का आप इसी तरह बेइज्जत करना चाहिए। सूचना था, हम तो उप मुखिया कोई उसमें भूमिका नहीं है, मुखिया जी का अध्यक्षता में हुआ है, लेकिन चल गई मैडम। अगर इसका निर्णय मैडम लोग लेती है तो अगले मुखिया की क्या जरूरत है, वो लोग खुद अपना चयनित करेगी और सब कुछ करेगी। ठीक, नाम का मुखिया रहा कि क्या काम। ठीक है, समझ गया। क्या आपकी समस्या क्या? मेरी समस्या ये है कि सेविका का चयन 22/10/2019 को यहाँ पे आम सभा हुआ गया था शांतिपूर्वक, उसका पेपर का रिजल्ट यही देने का था, लेकिन वो रिजल्ट यहाँ ना देके चंदन क्यारी में लेके चल गए। ले जाने के बावजूद भी हमको मोबाइल में फ़ोन करके बुलाया गया था कि आइए आप ले जाइए। उसके बाद हम गए तो आधा रास्ता से हमको घुमा दिया गया कि कोरोना काल में ये सब वो सब हो रहा है, देश का हालत बहुत ख़राब है, अभी कि कुछ दिन के लिए स्थगित रहता है। और स्थगित के बाद उसी चीज़ के लिए हम कुछ अप्लाई दूसरा कुछ किए नहीं है, और आज का डेट में फिर से चुनाव हो रहा है अचानक से। वो चीज़ हमको रिजल्ट चाहिए पहले का 2019 का, जो रिजल्ट में हम जो मेरा चयन हुआ था उसका हमको रिजल्ट चाहिए 2019 का, बस मेरा यही मांग है। सरकार से क्या कारण से हमको यहाँ मतलब उस दिन का रिजल्ट नहीं दिया गया है, आज कैसे चयन हो सकता है? तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? बस मेरा यही कि क्या कारण से हमको चयन नहीं हुआ था, आज हमको वही ज्वाइनिंग लेटर चाहिए बस 2019 का। आज का जो सीडीपीओ मैडम की हम लोग का जनप्रतिनिधि के ऊपर बहुत बड़ा दुख की बात है कि हम लोग का बात नहीं मानी आज, क्योंकि सिग्नेचर भी हम लोग से कुछ नहीं करवाए, बाकी प्रशासन हम मुखिया उप मुखिया जी सब कोई बैठे हुए थे, हम लोग का बात नहीं माने और उनके सीधा चला गए। बाकी जनता हम लोग क्या लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके पहले 2019 में जो है
सुरन दबी सिलेक्शन हुआ था, सिर्फ नियुक्ति पत्र देने का मैंने जो प्रक्रिया है वो पत्र नहीं दिया, और अचानक जो है आज चिट्ठी निकाल के जो एक सभी का चयन का आम सभा का डेट रखा गया, तो यहाँ आने के बाद पता चला कि इसको कोई अनुसूचित सिलेक्शन किया था, लेकिन वो इसी कारणवश सरकार की जो है कुछ कमी के कारण उसको नहीं दिया गया नियुक्ति पत्र। इससे हम लोग भी दंग रह गए, और अभी मालूम चल रहा कि किरण देवी को फिर से वो नहीं यहाँ आवेदन दे पाई, क्योंकि उसको था कि हमको तो सिलेक्शन हुआ था। तो इस बिंदु पर जो है आज के चुनाव में बहुत अनियमितता हुआ, इससे हम चाहते हैं कि पहले वाला चुनाव को ही मान लिया जाए, और आज का जो चुनाव हुआ उस पर आज का जो चुनाव का प्रक्रिया होता है कि पंचायत प्रतिनिधि तो होने के नाते हमको अंतिम मैंने क्षण पर हस्ताक्षर होता है, लेकिन वो भी काम आज पूरा नहीं हुआ है, और इससे प्रतीत होता है कि आज का चुनाव को हम रद्द करते हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।